अंतिम हुई क्लैश किस फिल्म के साथ? फिल्म में क्यों जरूरत पड़ी एडिशनल सीन्स की? रिलीज डेट फिक्स होते ही क्या प्लान बनाया सलमान खान ने? नमस्कार दोस्तों, बॉलीग्राड स्टूडियोज में आप सभी का स्वैग से स्वागत है। सो गाइस, आज के इस वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा, क्योंकि आज हम लाए हैं आपके लिए सलमान खान की एक और मच-अवेटेड फिल्म अंतिम से जुड़े कुछ एक्सक्लूसिव डिटेल्स। और फिल्म में क्या कुछ खास देखने को मिलेगा, इन सभी टॉपिक्स पर होगा डिस्कशन आज के इस वीडियो में। तो आपका कीमती समय बर्बाद ना करके वीडियो शुरू करते हैं। सलमान खान और आयुष शर्मा स्टार अंतिम द फाइनल थ्रो 26 नवंबर को सिनेमाघरों में रिलीज होने के लिए तैयार है। मेकर्स ने मंगलवार को मोशन पोस्टर के साथ इसकी घोषणा की थी। बैकग्राउंड में टाइटल ट्रैक बजने के साथ मोशन पोस्टर एक्शन से भरपूर फिल्म की एक झलक देता है, जो सलमान और आयुष को लॉगरहेड्स में दिखाएगा। वैसे आपको एक दिलचस्प खबर बता दें कि जॉन अब्राहम की अपकमिंग फिल्म सत्यमेव जयते 2 भी 26 नवंबर को रिलीज होगी और साथ ही अंतिम 26 नवंबर को। तो ऐसे में क्या लगता है आपको, कौन सी फिल्म ज्यादा क्रेज मचाएगी, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। मेकर्स के अनुसार अंतिम द फाइनल ट्रुथ एक गैंगस्टर की यात्रा है, जो किसी भी कीमत पर स्कीमिंग पुलिस वाले के खिलाफ उठना चाहता है, जो उसकी योजनाओं को विफल करने के लिए साजिश रचेगा। फिल्म में महिमा मकवाना भी है। सलमान, जिनकी आखिरी फिल्म राधे इसी साल की शुरुआत में रिलीज हुई थी और करेंटली कलर्स पर बिग बॉस 15 होस्ट करते हुए दिखाई दे रहे हैं, और अंतिम की रिलीज डेट फिक्स होते ही उन्होंने प्लान बनाया अपना पूरा फोकस अपनी आने वाली फिल्म्स में लगाने के लिए। उनकी आने वाली फिल्म्स टाइगर 3, किक 2 और कभी ईद कभी दिवाली है। वही आमिर खान की लाल सिंह चड्ढा और शाहरुख खान की पठान में भी कैमियो रोल करते दिखाई देंगे। पिछले महीने बॉलीवुड हंगामा ने बताया था कि एक्शन सिनेमा अंतिम द फाइनल थ्रुथ आयुष शर्मा अभिनीत और सलमान खान की सहायक भूमिका में सिनेमाघरों के साथ साथ Z5 या Zplex पर भी रिलीज होने की उम्मीद है। हालांकि तब से बहुत कुछ बदल गया है। प्रोज एंड कॉन्स देखने के बाद मेकर्स ने कथित तौर पर अब एक थिएटरिकल रिलीज के लिए समझौता किया है, और अब ये बात सामने आई है कि सलमान खान ने इसी हफ्ते फिल्म में एडिशनल सीन शूट किए हैं। एक खबर से हमें पता चला कि पोस्ट प्रोडक्शन में फिल्म देखने के बाद सलमान खान ने महसूस किया कि उनकी स्पेशलिटी वाले सीन्स को जोड़ने की जरूरत है। साथ ही अब जब फिल्म सिनेमाघरों में रिलीज हो रही है, तो उन्होंने महसूस किया कि उनकी भूमिका को आगे बढ़ना इम्पोर्टेंट है अपने फैंस को संतुष्ट करने के लिए, जो मुख्य रूप से उनके लिए सिनेमाघरों में आएंगे। और भी सारी अपकमिंग मूवीज और इंटरेस्टिंग फैक्ट जानने के लिए देखते रहिए बॉलीग्राड स्टूडियोज। और हाँ फ्रेंड्स, प्लीज डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब आवर चैनल, वरना आपको कुछ हटके सुनने को कैसे मिलेगा। लाइक एंड कमेंट करके आप भी अपनी ओपिनियन इस फिल्म को लेकर हमें बता सकते हैं। तो इसी के साथ मैं सोमिका लेती हूँ इजाजत। टाटा बाय।